It's up in the air, he's getting under it, this could be victory, it is! Pakistan win the World Cup, a magnificent performance. पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 9 मुंतकी बॉलिंग कोच और माजी के अजीम टेस्ट फास्ट बॉलर वकार यूनस बहुत जल्द अपने अहले खाना के साथ सिडनी से लाहौर मुंतकिल हो जाएंगे, जिन्हें पीसीबी ने 20 लाख रुपए महाना का पुरकशिश पैकेज दिया है। निजी खबरें सादारे ने पीसीबी ज़राए के हवाले से बताया है कि वकार यूनस को मिसबाउल हक की तरह अभी तक पाकिस्तान सुपर लीग में कोचिंग की इजाज़त नहीं दी गई। वकार यूनस गुज़िश्ता पीएसएल में इस्लामाबाद यूनाइटेड से मुंसलिक थे और इनकी मौजूदगी में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पीएसएल ट्रॉफी भी जीती थी। ज़राए का कहना है कि मिसबाउल हक आइंदा पीएसएल में इस्लामाबाद यूनाइटेड की कोचिंग करेंगे, जबकि वकार यूनस ने पीएसएल से मुतल्लिक अभी तक बोर्ड से इजाज़त नहीं मांगी। ज़राए के मुताबिक वकार यूनस पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के बॉलर्स के अलावा कौमी अकेडमी में भी काम करेंगे और डोमेस्टिक मैचों में भी जाएंगे, जिस दौरान वो नौजवान टैलेंट को तलाश करेंगे, जहां इन पर कौमी एकेडमी में मजीद काम किया जाएगा। ज़राए का कहना है कि वकार यूनस ने कमेंट्री के असाइनमेंट्स छोड़कर पाकिस्तानी बॉलर्स के साथ काम करने को तरजीह दी है और वो कई सालों से सिडनी में रहते हैं, लेकिन पीसीबी के साथ मुआहदा होने के बाद वो अपनी अहलिया डॉक्टर फलियाल, दो बेटों और बेटी के साथ मुस्तकिल तौर पर लाहौर मुंतकिल हो जाएंगे। मज़ीद वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए क्रिकेट की न्यूज़।